नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 Degrees में। जो छात्र फोर्थ मेरिट लिस्ट के लिए इंतज़ार कर रहे थे रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तो फ़िलहाल सरकार की तरफ से मेल आ गया है, एक लेटर जारी कर दिया है जिसमें बताया है कि कब आप लोगों को रैंक कार्ड डाउनलोड होंगे और नए जो अभ्यर्थी हैं उनका रैंक कार्ड अलग जनरेट होगा। नए अभ्यर्थी मतलब जिनने नए फॉर्म भरे हैं, जिनने पुराने फॉर्म में संशोधन किया उनका रैंक कार्ड अलग जनरेट होगा। तो दोनों का रैंक कार्ड जो जनरेट होगा वो कल से जनरेट होना शुरू हो जाएगा और फिर उसे आप अपने जनपद के जिस जिस ITI में आपने अप्लाई किया है वहाँ दे सकते हैं या फिर नोडल ITI में दे सकते हैं। तो इसके आप ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नोडल में दे देंगे तो एक ही जगह देना होगा, अगर आप एक से ज़्यादा में देना चाह रहे तो जिस जिस में अप्लाई किया वहाँ पर दे सकते हैं। सरकार का नोटिस देख सकते हैं, यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति है। तो ये जो प्रेस विज्ञप्ति है जो सरकार ने भेजी है, इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पॉइंट नंबर दूसरा है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने जो गृह जनपद है उसमें ही आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वहीं पे आप एडमिशन ले सकते हैं रिक्त सीट पर, या फिर ये स्थाई पता हो या फिर अस्थाई पता हो, दोनों पे ही आप उस जनपद में ले सकते हैं। दूसरा है चौथे चरण के लिए रैंक पर क्लिक करने पे दो विकल्प होंगे, पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थी के लिए रैंक, मतलब जो पुराना फॉर्म है उसके लिए रैंक, और नए फॉर्म के लिए रैंक। तो ये दोनों को आप प्रिंट आउट लेकर जो है उसको उस कॉलेज में जहाँ पर आप जनपद के दिए गए नोडल प्रधानाचार्य कॉलेज में 18 से लेके 23 के बीच में आप लोग कभी भी जमा कर सकते हैं। 23 के बाद अगर जमा करते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप अपना रैंक कार्ड कल से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कैसे आप अपने फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल के आप 23 तारीख तक जो है नोडल प्रधानाचार्य या फिर आपने जिस जिस ITI में जो है किया है अप्लाई वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है, जब आपका ये रैंक कार्ड जनरेट हो जाएगा 23 तारीख तक, उसके बाद आप लोगों का जो है 24 में लिस्ट निकाल दी जाएगी और 25 तक आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी इसमें आ गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 25 के रात के 12 बजे तक जो है वो कॉलेज को समय दिया है, तो 25 तक एडमिशन होगा आप लोगों का, 23 तक आप लोग अपना रैंक कार्ड कॉलेज में जमा कर देंगे, 24 को लिस्ट आ जाएगी और 24 और 25 दो दिन आपको एडमिशन के लिए मिलेंगे। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।